कौन है आप लोग? ये ट्री पासिंग जोन है। हाँ, ट्री पासिंग कहाँ कहाँ पासिंग हो रहे हैं? वहाँ बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? ओ, ट्रेस पासिंग है क्या? हाँ। वो कुछ भी नहीं है सर, गलती से इस रास्ते में आ गए हम। लग तो नहीं रहा कि रास्ता भूल गए। माइंड योर वर्ड्स। ए नारायण। सर, सर बुला रहे हैं आपको, जाओ। सर, एक्चुअली हमारा कार ब्रेक डाउन हो गया तो दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वेट कर रहे थे। आई थिंक वी मिस द रोड। ए नक्सल जोन है, पैदल जाना खतरे से खाली नहीं है। कहाँ जाना है बता दो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। परवा नहीं सर, वी विल फाइंड अवर वे। गाड़ी चढ़ो। ए नारायण, गाड़ी निकालो, चलो बैठो। गेटिंग खंडाला ईस्ट जोन ऑन द वे। Thank you so much, sir. Okay. Thank you. Take care. Thank you. Be safe. Thank you. So, tell me, तुम्हारे नावल के बारे में बताओ। क्या बताऊं डॉक्टर जी? I need to find peculiar characters. वैसे लोग मिलने तो स्टार्ट नहीं कर सकती मैं। Peculiar characters का मतलब तुम्हारी माँ बाप के जैसा? रवि, लिमिट्स। सलमान, आर यू ओके? हैव सम वाटर। सर प्लीज गेट अप। नो 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 सर, प्लीज डू दिस। सर आर यू फाइन? फाइन, ओके। प्लीज प्लीज सिट अप। Please. Are you okay now? Please take care. Take care of yourself. Relax. हाँ, क्या बोल रही थी तुम? Limits? Limits का मतलब जानती हो क्या तुम? क्या? कल रात तुमने जो किया, ओ दिखा दो क्या? रवि? हाँ? Please behave public. Thank you, young man. आज तुम्हारी presence of mind की वजह से आज मैं जिंदा बच गया हूँ। अरे, इतनी बड़े-बड़े बातों की क्या जरूरत है सर? आज मुझे अगर कुछ हो जाता तो मेरी बीवी अकेली हो जाती थी। Not an issue. Take care of yourself, sir. हाँ, एक small request है आपसे। हाँ, बोलिए। हमारे घर पे dinner पे आएंगे क्या? Actually, please don't say no. It's a big day for us. आज हमारा एनिवर्सरी है। ओह। एंड वी विल बी रियली हैप्पी टू हैव यू एंड दिस इज ऑन अस। एक्चुअली हमें दूसरे प्लान्स भी है। एनीवेज, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी मैम। या, हैप्पी एनिवर्सरी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हेलेन खाना अच्छा बनाती है। ट्राई वंस। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? इसमें तकलीफ क्या है? इट्स अ प्लेजर। एक्चुअली हमारा कार ब्रेक डाउन हो गया। या नो प्रॉब्लम, हमारी गाड़ी में जाएंगे फिर यहीं पर ड्रॉप कर दूंगा। डोंट वरी, कम। ओके, प्लीज कम। इट्स ओके, लेट्स गो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम कम। हमारा गांव कैसा लग रहा है? इट्स आवर फर्स्ट डे, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब तक। अब तक ही क्यों, इसके आगे भी बहुत अच्छा लगेगा। Oh,
वेलकम। सर, आपकी गैलरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी फोटोज में सभी संस्कृतियों के सम्मेलन एक साथ में है। थैंक्स। रिटायरमेंट के बाद मेरे पुराने पैशन को फिर से अपनाने लगा। जब भी मुझे कुछ अच्छा लगता है, दिखता है, तो क्लिक कर लेता हूँ। इंटरेस्टिंग। इतने बड़े घर में आप दोनों ही रहते क्या? नहीं, हमारा बेटा भी। वेलकम ड्रिंक्स। सलमान जाओ, गेट योर कैमरा, लेट्स कैप्चर दिस मोमेंट्स। या थैंक यू। थैंक यू। कम कम, लेट्स गो टू द लॉन। या लिसन, वी आर गोइंग टू लीव आफ्टर दिस। नो पापा, ओके। प्लीज हेल्प। हाँ मिस्टर सोलोमन। या इतने साल गुजरने के बाद हम जैसे यंग कपल को क्या सलाह देंगे आप? सलाह तो कुछ भी नहीं, जो बोलती है, जो करती है, बस मुंडी हिलाते रहना। ट्रू, वेरी ट्रू। सोलोमन, कुछ भी कह के बच्चों को ऐसे डराओ मत। फूड कैसा है रवि? माँ ने बनाया जैसा है। श्वेता, तुम कुछ भी नहीं कहोगी? अरे आंटी, बहुत अच्छा है, मैं तो ऐसा नहीं बना सकती। श्योर। हाँ, एनीवेज, आज आपका एनिवर्सरी। सभी का रिलेशनशिप लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है। आपकी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करोगे क्या? हमारा लाइफ रोलर कोस्टर नहीं था। तुम्हारे उम्र में मैं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा था, इसलिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ओह, वही दूर आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ाया होगा। हाँ, आपके जनरेशन में तो रिलेशनशिप से दूर रहना ही चाहते हैं ना? ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमारे जनरेशन क्यों, क्या हुआ? सोलोमन, बच्चों को ऐसे परेशान मत करो। परेशान क्यों, सच्ची तो बोल रहा हूं ना। आपके एनिवर्सरी का दिन फैमिली मेंबर्स को ही नहीं आया क्या? जब से मैं वही बोल रहा हूं, आपके जनरेशन को तो फ्रीडम चाहिए, रिलेशनशिप से तो दूर रहना चाहते हो। सबसे पहले पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? मिलके रहने से भी खुशी से रहना ही अच्छा है ना। रवि, प्लीज हैव योर फूड, वो ऐसे ही बात करेंगे। आपके पेरेंट्स अभी तो खुश रहते होंगे, मगर फ्यूचर में? सर, आप थोड़ा पर्सनल पे जा रहे हो। सोलोमन, प्लीज लेट देम हैव देयर डिनर, उनको इरिटेट मत करो। मैं इरिटेट कर रहा हूँ क्या? शट अप सोलोमन, उनको बहुत इरिटेट कर दिए। ऑलरेडी तुम्हारे हरकतों की वजह से मैं बहुत कुछ खो दी। मेरी हरकतों की वजह से हुआ क्या? हुआ है। अरे इट्स ओके आंटी जी, ये इश्यू ही नहीं है, इट्स हैपन। हाँ, लेट हो रहा है, विल टेक ए लीव। ऑलरेडी लेट हो गया, इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं है। एक्चुअली आई एम नॉट एडवाइज टू ड्राइव इन द नाइट, सो आपको ड्रॉप करके वापस आने में बहुत देर हो जाएगा। रात को यहां पर रेस्ट कर लो, मॉर्निंग आई विल ड्रॉप यू। परवा नहीं, विल बुक ए कैब। हाँ, यहाँ पे टैक्सी नहीं मिलेगी।
डोंट वरी, वील टेक केयर। रवि, आई विल शो यू योर रूम। कम। ए, तुम्हारी फ्रेग्रेंस या तुम्हारी हेयर परफ्यूम? डॉक्टर जी को दर्द कम हो गया क्या? हाँ, तुम साथ हो तो कोई भी दर्द मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। अरे अभी भी दर्द नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग। प्लीज कम। फ्रेश अप होके आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। अरे प्लीज डोंट टेक बर्डन, हम अभी चले जाएंगे। रवि, इनफ इज इनफ, ब्रेकफास्ट की कोई जरूरत नहीं। यू नो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, राइट? आई डोंट वांट सच थिंग्स टू हैपन अगेन। अपन चले जाएंगे। ओके। Hi Ravi, come, let's have breakfast. Sorry sir, don't feel bad. We are actually in a bit of hurry. ज़्यादा time नहीं लगेगा, अब जैसे ही खत्म कर लेंगे, we'll go. Actually वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगा, next time plan करेंगे sir. तो हमारा खाना आपको पसंद नहीं आया क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है sir. चलो Ravi, let's find some other way. उनको क्यों तकलीफ देना? Okay sir, thank you ma'am, take care, bye bye. भूखे पेट से जाने नहीं दूंगी। ब्रेकफास्ट खा लो, सॉलमन विल ड्रॉप यू। ओके, मेक इट सून। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैम, विल टेक लीव, बाय। ओके, देखिए। ओके। किसी भी कीमत पर हमको यहां से निकलना है। जाओ ना। जरा यहां से मेन रोड कितना दूर है? देखो, फॉरेस्ट में पैदल जाना इतना सेफ नहीं है,
आप लोग अंदर जाके आराम करो, मैं किसी मैकेनिक को लेके आता हूँ। रवि, कैप। शट, बैटरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं। जानबूझ के क्यों करेंगे हम? तुम्हें ऐसा लगता होगा, बट दिस इज अनएक्सपेक्टेड। हेलो, ये बारिश भी हमारा प्लान है क्या? सॉरी मिस्टर सोलोमन, एक्चुअली वी हैड सम अदर प्लान्स। वो कुछ नहीं हुआ ना तो वी गॉट लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। आई अंडरस्टूड। तुम्हारा क्या प्लान्स है मुझे पता नहीं, मगर वो होगा या नहीं होगा ये तो आपके हाथों में भी नहीं है। अरे डिसअपॉइंट मत हो, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, दो पैक मारेंगे चलो। अभी दारू? रवि, दारू पीने के लिए टाइम से क्या लेना देना है, बस क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। चलो कम कम। वन ऑफ द बेस्ट सिंगल मॉल्ट इन द वर्ल्ड, ओनली स्पेशल मोमेंट्स में ही ये बॉटल बाहर निकलता है। हमें भी तो लगना है ना। क्या हम इतना स्पेशल है क्या? थैंक यू। मॉर्निंग इनके बिहेवियर में कुछ अजीब लगा क्या? एज ए डॉक्टर मैं हेलेन जी का सिचुएशन को समझ सकता हूँ। आई थिंक शी इज गोइंग टू सम मेंटल ब्रेकडाउन। एग्जैक्टली, हमारा बेटा हमें छोड़ के जाने के बाद शी इज नॉट द हेलेन एनीमोर। एक्चुअली तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो। पता चला है ना, तुम देख रहे हो ना, तुम्हें देखने के बाद हेलेन कितना खुश है। रवि, ए स्मॉल रिक्वेस्ट, हमारा बेटा बनके हमेशा हमारे साथ रह जाओ ना। व्हाट? हेलो, आप क्या बात कर रहे हो? आपको तो समझ में आ रहा है क्या? हाउ कैन आई बी योर सन? देखिए, हमारा खुद का फैमिली है एंड रिस्पांसिबिलिटीज भी है, आप कैसे पूछने लगे? रवि, प्लीज लिसन। रवि, रवि, अभी ये डिस्कशन क्यों? कम ऑन, लेट्स लीव। मेरी बात सुनो रवि। ए रवि, श्वेता, 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 क्या हुआ? क्यों इतना टेंशन में हो? रवि को कल से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा, क्या हुआ होगा? वो कोई बच्चा है क्या? सिग्नल नहीं मिला होगा, सिग्नल मिलते ही फोन करेगा। लेट देम हैव देयर टाइम, रिलैक्स।
रवि कूल कूल रवि कूल। देखो रवि अच्छे से देखो, कितना प्यार से पाला है। देखो 9 महीने पेट में रख के पाला माँ, और 20 साल दिल में रख के पाला मैं। हमारे दिल पे मार के चले गया वो। बस अब तक आपने जो प्यार दिखाया, अब बस आपके प्यार के तनाव को सह नहीं पा रहा हूँ। अब बस आपके साथ रहूं तो आपके साथ ही रहने का दबाव मुझे मार देगा, इसलिए मैं फैसला कर लिया डैड, जा रहा हूँ। फ्रांसिस, एक और बार सोच लो बेटा, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। अगर मैं रह सकता हूँ माँ। हेलो, हेलेन है क्या? हेलेन, कॉल फॉर यू। हेलो हेवन, आवर स्टेला इज नो मोर, कल उनका फ्यूनरल। बेटा चले जाते ही इसकी मौत हो गई। वो 40 दिन के बाद आए तो लाश कंकाल बन गई थी। ऐसी मौत किसी को नहीं आए। हमारा बेटा कभी ऐसा नहीं करेगा, वो जरूर वापस आएगा। देखो सर, आप कौन है क्या है कुछ भी नहीं जानता हूं, फिर भी आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूं। वैसे भी मेरा हाथ बांधकर इधर बिठाने से कोई फायदा नहीं है। यू शुड गेट हर ट्रीटेड सलमान, इफ नॉट हेलेन को खो जाओगे तुम। मुझे कन्विंस करना चाहते हो क्या? मुझे उसी दिन पता चला कि मैं हेलेन को खो चुका हूं। उसको मैं नहीं अपना बेटा चाहिए था। अब हेलेन के लिए तुम ही उनका बेटा हो। आई एम ए ग्रेट सेल्फिश हस्बैंड हु वॉन्ट्स His wife to be happy. Be happy. सोचा था कि हेलेन को ये ट्रीटमेंट चाहिए। तुम्हारा बात सुनने के बाद तुमको भी ट्रीटमेंट का जरूरत है। देखो सर, मुझे और मेरे वाइफ को यहां से जाने दीजिए। दिल के करीब जब आंखों के सामने कोई तड़प तड़प कर मरे, और अगर हम कुछ भी नहीं कर पाए तो कैसा लगता है? वो भयंकर नरक होता है। वो नरक तुम भी देखो वो मैं नहीं चाहता। मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, हेलेन को खुश रहना है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हेलेन को मैंने बोला तुम श्वेता को ड्रॉप करके आओगे, वो पगली डिनर रेडी कर रही है। बेटर बिहेव, नहीं माना तो श्वेता को। आई विल कम, हाँ मैं आता हूँ। Thank you.
देखो श्वेता, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हेलन की खुशी के रास्ते पे कोई आया तो उसे मारना मुझे कोई मुश्किल काम नहीं होगा। खा लो। रिसॉर्ट पे कॉल किया मैंने, रिसॉर्ट से निकल के 2 दिन हो गया कते। हेलो, कौन सा रिसॉर्ट? हाँ ओके सर। फिर से मिसिंग केस है, ले लो। फैक्स आया क्या? इन दोनों को कहीं देखा है ना? तुमने कहीं देखा है क्या? ये लोग 2 दिन पहले रेस्टोरेंट पे आए थे, यहां से कहां गए पता है क्या? चलो चलो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके सर। उसी दिन का डेटा डिलीट हो चुका है सर। जनरली 3 मंथ्स का डेटा रहता है ना? पर्टिकुलरली वही दिन का डेटा डिलीट हो चुका है सर। नारायण सर, उन दोनों का नंबर ट्रेस करो। ओके सर। Thank you.
मारना चाहते हो क्या? अरे ओ सुन, श्वेता को जरूर मार दूंगा। बाहर आजा बाहर। बढ़ाना।
यहाँ नहीं रे, वहाँ बढ़ाओ साउंड। बोल रहे नारायण। सर उनका फोन ट्रैक किया है मैंने। साउंड कम कर रे, यहाँ नहीं रे वहाँ रे। बोल नारायण। उनका फोन ट्रैक किया है सर मैंने। खंडाला के पास उनका नेटवर्क मिस हो गया सर। इससे पहले जो लड़के मिस हुए थे उनका नेटवर्क भी यही मिस हुआ था सर। जिस नेटवर्क रेंज में मिस हुए हैं वहाँ के स्कूल्स फैक्ट्रीज एड्रेस जो भी है पता लगाओ। मिस हुआ नेटवर्क रेंज में एक ही घर है सर। अरे ओ, तुम्हें हट करना मेरा मकसद नहीं था। Thank you.
मेरे कंसर्न के बगैर कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स किया? सर, एमडी सर ने फिक्स किया था। अरे, केस सॉल्व करने वाला मैं हूँ या एमडी? एक्सक्यूज मी, फ्यू डेज बैक यहाँ हेलेन नाम का पेशेंट को एडमिट किया था। हेलेन? उनको कल ही डिस्चार्ज कर दिए थे। हो, ऐसा क्या? आप? उसके बेटे तो नहीं है ना? नहीं सर, बेटा जैसा ही हूँ। क्यों आए? एक्चुअली मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, आप लोग पागल हो, मुझे छोड़ दीजिए। उसको लेके जाने के लिए आया हूँ सर। रवि, ये सब सुनने के बाद तुम उनको लेके जाने के लिए आए हो वो अच्छी सोच है, मगर तुम्हें कुछ जरूरी बातें जाननी हैं। आज से उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि कांच की गुड़िया की तरह, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति बहुत अनस्टेबल है। पुरानी यादें याद आना बहुत अच्छी बात है, मगर वो पीछा नहीं करना चाहिए, इट्स अब नॉर्मल। रवि, सिंपल बात बताना हो तो, उनका बेटा उन्हें छोड़ के गया है ये वो कभी भूल नहीं सकती। वो किसी भी लड़के को अपने बेटे का हम उम्र का देखती है, उसे अपना बेटा मान लेती है, तुम्हें भी अपना बेटा मानती है। डॉक्टर, मैं अगर उसकी बेटा नहीं हूं करके बोल दिया तो? रवि, एक बात अच्छी तरह से याद रखो, जब तक तुम उसके साथ हो तब तक उसे पुरानी याद याद नहीं आएगी, मगर उसका बेटा उसे हमेशा के लिए छोड़ के जाएगा ये डर दिल में हरदम रहेगा, और उस डर को आप ही मिटा सकते हो, इसीलिए ये बात अभी बिल्कुल भी मत बताना। एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम। इतना ही, कुछ नहीं, सच जाने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्चुअली ये सब सोलोमन ही बोलना चाहिए था, मगर सोलोमन ये बता नहीं पाया, क्योंकि सोलोमन को अपनी पत्नी जिंदगी थी, और उसके हर खुशी के लिए सोलोमन ने जो किया तुम जानते हो। इट्स रियली स्ट्रेंज ना, हेलेन ने अपने बेटे को जितना प्यार किया, सोलोमन ने उससे भी ज्यादा अपने पत्नी से प्यार किया। बताया ना, टू मच लव इज टॉक्सिक। आप वैसे भी ख्याल रखने वाले हैं ना, तो शी फील्स हर सन इज विथ हर, शी फील्स वेरी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग, प्लीज रिमेंबर, उन्हें फ्रीक्वेंटली चेकअप करवाते रहना। ओके, प्लीज टेक केयर। ओके डॉक्टर, आई विल डू दैट। आई टेक इट, थैंक यू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आए क्या? और एक दिन लगेगा सर। सर, हेलेन को तो इंक्वायरी करके हमने भेज दिया। रवि के मुताबिक उस दिन जो घर में हुआ, मैडम को पता नहीं होगा क्या? श्वेता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रवि का दिया गया स्टेटमेंट श्वेता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, कुछ तो राज है। रवि को एक बार फोन लगाओ।
सर लाइन पे। हाँ रवि, कहाँ हो? उस दिन यहाँ जो कुछ भी हुआ मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो रवि। श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता को लगा हुआ बुलेट ग्राउंड लेवल से नहीं टॉप लेवल से शूट किया गया है। वो विंडो वाला रूम किसका है रवि? वो सॉलमन हेलेन का रूम है। रवि, उस दिन के घटना के बारे में मुझे कुछ बताना भूल तो नहीं गए ना? बेटे को खुद ही लेके आऊंगी। मेरा बेटा फिर कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा।
टेल मी, तुम्हारे नावल के बारे में बताओ। सर प्लीज गेट अप, सर प्लीज डू दिस। सर आर यू फाइन? ओके। हमारे घर पे डिनर पे आएंगे क्या? एक्चुअली प्लीज डोंट से नो। जस्ट अ मिनट, मुझे रेस्टरूम जाना है। इतने बड़े घर में आप दोनों ही रहते क्या? सोलमन, बच्चों को ऐसे परेशान मत करो। शट अप सोलमन, स्टॉप इट। यहाँ पे टैक्सी नहीं मिलेगी। ओके सर, थैंक यू मैम, टेक केयर, बाय बाय। भूखे पेट से जाने नहीं दूंगी। बाय। ओके, टेक केयर।